दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर इस वक्त मैं मौजूद हूं और कड़े इंतजाम किसानों को दिल्ली में प्रवेश करने से रोकने के लिए। आप ये सीमेंट के ब्लॉकेट्स देख लीजिए, लेकिन यहीं तक इंतजाम सीमित नहीं है। अर्धसैनिक बलों की तैनाती यहां पर आप देख सकते हैं कि महिला फोर्सेस भी शामिल है, रैपिड एक्शन फोर्स में का ये हिस्सा है। और उसके अलावा आगे देख सकते हैं कि तमाम तैयारियां यहां पर, आंसू गैस के गोले छोड़ने की भी तैयारियां हैं, मास्क से लैस यहां पर फुल्ली इक्विप्ड आपको यहां पर अर्धसैनिक बलों की तैनाती। और उसके अलावा आगे आप देखें तो वाटर कैनन भी लगाए गए हैं। अगर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं किसान तो उन्हें इन तमाम बाधाओं को पार करना पड़ेगा। यानी किसी भी हालत में इस बार तैयारी ऐसी है कि किसान सिंघू बॉर्डर से आगे ना बढ़ने पाए। और सिंघू बॉर्डर से पहले भी अगर हम बात करें तो हरियाणा पुलिस ने तमाम ऐसे इंतजाम कर रखे हैं जिससे कि उन्हें रोका जा सके, लेकिन उसके बावजूद दिल्ली पुलिस ने अपनी तरफ से किसी भी तरह की कमी यहां पर नहीं छोड़ी है। हम सिंघू बॉर्डर पर ही इस वक्त मौजूद हैं और ये आप देख सकते हैं कि आरएएफ की तैनाती तो यहां पर है ही, आरएएफ के अलावा दिल्ली पुलिस भी पूरी तरीके से यहां पर चुस्त नजर आ रही है। तैयारियों का पूरा जायजा अधिकारी जो है वो मौके पर पहुंचकर ले रहे हैं। और आगे अगर हम आपको दिखाएं तो ये वाटर कैनन यहां पर रखा गया है, इसका जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल किया जाएगा। उसके आगे अगर ये सीमेंट के ब्लॉकेट्स देखें तो आप बड़े बड़े ये डिवाइडर्स जो है उसको रख के आगे रोड ब्लॉक करने की तैयारी है। यहां से हम आगे बढ़ते हैं और एक और लेयर आपको सिक्योरिटी की दिखाते हैं। यहीं तक सीमित नहीं है ये सुरक्षा घेरे, इसके आगे भी सीमेंट के ब्लॉकेट आप देख सकते हैं और इसको इन रॉड्स की मदद से यानी सरिया लगाकर इनको सील किया गया है। यानी कि अगर ये आधा दर्जन बैरिकेडिंग यहाँ पर है तो ये आपस में इंटैक्ट है, ये जुड़े हुए हैं और इसको हटाना यहाँ से बहुत ही मुश्किल होगा। इसको पक्का कर यहाँ पर लगाया गया है, देख सकते हैं कि ये जो सरिये यहाँ पे हैं इसको यहाँ पर लॉक करने का काम किया गया है। उसके आगे बढ़ते हैं, एक और लेयर आपको दिखाते हैं। यहाँ पर ये सीमेंट के ब्लॉकेट्स देखिए बड़े बड़े ये रखे गए हैं, ये भी आधा दर्जन की संख्या में यहाँ पर लगाए गए हैं। उसके आगे बढ़ते हैं, आप देखिए यहाँ पर दिल्ली पुलिस की जो नॉर्मल आयरन बैरिकेडिंग होती है वो भी है, लेकिन ये संख्या एक दर्जन से भी ज़्यादा आगे तक है। और आगे बढ़ते हैं और ये आप सामने देखिए कंटेनर्स, ये जो कंटेनर्स यहाँ पे रखे गए हैं इसकी तस्वीर दिखाइए। ये कंटेनर्स खाली लोहे के कंटेनर नहीं है, इनके अंदर मिट्टी भी भरे हुए हैं। यानी इनको इतना भारी बना दिया गया है कि इसको क्रेन से ही हटाना पड़ेगा, उसके अलावा ट्रैक्टर या फिर किसी अन्य मशीन से अगर इसको हटाने की कोशिश करेंगे तो ये इतना भारी हो चुका है कि इसको यहाँ से हटाया नहीं जा सकता। यानी किसी भी हालात में अगर किसान कोशिश करे घुसने की तो वो प्रवेश नहीं कर सकेंगे। ये फ्लाईओवर के ऊपर की तस्वीर है। अब हम यहाँ से आपको नीचे के इंतज़ाम भी दिखाते हैं किस तरीके से तैयारी है। वो तस्वीर दिखाइए वहाँ पर किस तरह से कटीले वायर से पूरे रास्ते को ब्लॉक कर दिया गया है। तो ये तमाम इंतजाम सिंघू बॉर्डर पर किए गए हैं किसानों को रोकने के लिए। टीवी9 भारतवर्ष के लिए खुर्शीद के साथ दिल्ली से मैं अभिजीत ठाकुर।